दोस्तों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप आराम से बैठकर पॉपकॉर्न के मजे ले रहे हैं और अचानक से सारे पॉपकॉर्न उठकर चलने लगते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? तो दोस्तों मिलिए प्लांट होपर निम्फ से, जो एग्जैक्टली छोटे से पॉपकॉर्न जैसा दिखता है। इसलिए आपको पॉपकॉर्न खाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं आपके पॉपकॉर्न की टांगे तो नहीं है। पर दोस्तों आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे भारत में नहीं बल्कि अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं और ये बहुत ही शातिर होते हैं। और इन पर बनी ये पॉपकॉर्न जैसी रचना इनको दूसरे शिकारियों से बचाती है, क्योंकि शिकारी पक्षी इन्हें सिर्फ कचरा समझ लेते हैं और इनका शिकार नहीं करते। पर ये पॉपकॉर्न काफी कुछ खा जाते हैं, फ्रूट से लेकर फर्नीचर तक, इसलिए इन्हें पेस्ट की कैटेगरी में डाला गया है। तो अगली बार पॉपकॉर्न ध्यान से खाइएगा। Hey, देखो दोस्तों मुझे क्या मिला है। आपने आसमान को नीला, ग्रे, काला, यहाँ तक कि सूर्यास्त के वक्त नारंगी या लाल तक देखा होगा, पर कभी हरे रंग का देखा है? और सच कहूं तो ऐसे बादल अगर आपके आसपास दिखे तो तुरंत ही आपको सुरक्षित जगह पर भागना चाहिए, क्योंकि यह बादल भयानक तूफान और बारिश का संकेत है। दरअसल दोस्तों जब भारी मात्रा में पानी वाले बादल पर सूर्य की लाल किरणें पड़ती है तो ये बादल हरे रंग के दिखते हैं। यार ये एक सिंपल फिजिक्स है और ये इस बात का पूरा संकेत देते हैं कि इस जगह पर भारी बारिश और तूफान आने वाला है। और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये बादल अपने साथ टॉर्नेडो तक ले आते हैं। और इनके बहुत ही तेज रफ्तार में प्रेसिपिटेशन की वजह से दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये जमीन को छू कर चल रहा है। दोस्तों क्या कभी आपने शॉकवेव देखा है? बहुत ही ताकतवर, जो आपके कान के पर्दे तक फाड़ सकता है। कुछ एक्सप्लोसिव टेक्नीशियन ने एक प्रयोग के लिए इस टनल में ब्लास्ट करके शॉकवेव बनाया, जो बहुत ही तेज और खतरनाक है। इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि आप कितना भी तेज भाग ले इससे बचना नामुमकिन है। इसलिए जो फिल्मों में दिखाते हैं वो कम्प्लीटली फेक होता है। दोस्तों आपने शायद आपके स्कूल में या फिर लैब में इलेक्ट्रिक सर्किट के दो वायर को जोड़कर ऐसा स्पार्क जरूर किया होगा, पर दोस्तों आपका इस हाई वोल्टेज लाइन के बारे में क्या ख्याल है? दोस्तों जब भी हाई वोल्टेज लाइन के सर्किट ब्रेकर को जब ओपन किया जाता है तो आसपास की हवा आयोनाइज होने की वजह से ये बहुत ही बड़ा आर्क बनता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। हालांकि आप इसे काफी सारे लोगों को इसके किसी भी टर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए खैर हमें इससे गया। एटलीस्ट ये दिखता बहुत ही खूबसूरत है और डरावना भी। दोस्तों आपको स्पाइडरमैन की ये तो बड़ी सफेद आंखें याद है ना? तो मुझे भी ऐसी एक चीज मिली है, जरा इस मछली की आंखों को देखिए। और इतना ही नहीं, इसमें लाइट भी होती है। दोस्तों ये एनिमलोपिडाई के तीन अलग प्रजाति में से एक है, जिसको लैंटन फिश कहा जाता है। और ये उन खास मछलियों में से है जिसके पास ऐसा खास तरह का चमकने वाला बॉडी पार्ट होता है। इनकी आंखों में मौजूद बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया लगातार रोशनी पैदा करते हैं, इसलिए जब ये अंधेरे में होती है तो वो नजारा बहुत ही डरावना होता है, जैसे कि आपने कोई भूत को देख लिया हो। हालांकि साइंटिस्ट आज तक पक्के तौर पर ये समझ नहीं पाए कि इनकी इस चमकीली आंखों का उपयोग क्या है, पर जो कुछ भी उन्होंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझा है वो ये है कि इसका उपयोग ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करती है और शिकार को कंफ्यूज करने के लिए भी। जो भी हो, पर किसी की आंखों में ऐसी हेडलाइट होना आम बात थोड़ी ना है। अब जरा दोस्तों इस मछली की खोपड़ी को देखिए और उस पर चमकते इस डंडे को भी। दोस्तों ये गहरे समुद्र में रहने वाला एंगलर है और पूरी दुनिया का सबसे बदसूरत जीव भी। दोस्तों ये इतने गहरे समुद्र में रहता है जहाँ पर किसी और जीव का जिंदा रहना मुश्किल है। दोस्तों इसके सिर पर बनी ये रचना भी बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया की मदद से लगातार रोशनी पैदा करती है, और ऐसा करने से छोटी मछलियां इसकी तरफ खींची चली आती है और ये सीधा अपना मुंह खोलकर उन्हें चट कर जाता है। ये अपना जबड़ा अपने शरीर के मुकाबले दुगना खोल सकता है। पर इसके सिर पर बनी यह फिशिंग रॉड बहुत ही काम की चीज है। तो इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि नेचर में अगर कोई चीज चमकती है जिसको नहीं चमकना चाहिए, तो आप बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया को इसका जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। दोस्तों इंसानों ने बादलों पर कहीं खोज करी है और अब तो हमने बादलों को बनाकर आसमान में छोड़ने का तरीका भी खोज निकाला है। और इतना ही नहीं, ये सच की बारिश भी करते हैं। दोस्तों साल 2018 में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दावा किया गया था कि नासा ने बादलों को आसमान में छोड़ने का तरीका खोज निकाला है, और ये सचमुच के बादल छोड़ भी रहा था और इससे बारिश भी हो रही थी। हालांकि ये बात अलग है कि इस वीडियो को 1 अप्रैल को अपलोड किया गया था।
दोस्तों असल में ये एक रॉकेट इंजन है जिसका टेस्ट नासा कर रही थी और इस इंजन से पानी की भाप निकल रही थी जो ऊपर जाती थी और ठंडी होने पर बारिश कर दी थी। दोस्तों मिली सांड से जिसका पैर मकड़ी जैसा है या फिर मकड़ी जिसका सिर सांड जैसा है। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, ये मकड़ी एक्वाडोर के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। दोस्तों ये असल में पौराणिक जीव जैसे दिखने वाली मकड़ी का सिर किसी डॉगी की तरह दिखता है और इतना ही नहीं इसके सिंग के आगे दो पीले डॉट भी होते हैं जिससे ये सचमुच के कुत्ते के सिर वाली दिखती है। हालांकि साइंटिस्ट अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर इनके इन दो सिंगों की वजह क्या है। शायद हो सकता है कि इसका उपयोग ये दूसरे जीव को डराने के लिए करता हो। शाओलिन बनने के लिए आपको 6 साल की छोटी उम्र से ही कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है जिससे आपका शरीर इतना लचीला हो जाता है कि वो ऐसा कर सकता है। ओह माय गॉड, ये सच में ऐसा कर रहे हैं, ये पेड़ से चिपक रहे हैं, वो भी उल्टा। दोस्तों आप कुत्तों के चप्पल चुराने की हरकतों से परेशान है तो निशान कंपनी ने आपके लिए ऐसी चप्पल बनाई है जो अपने आप चलकर वापस आ जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि इस चप्पल में पहिए होने की वजह से इनको पहनकर चलने में आपको कंफर्टेबल होगा या नहीं, पर अगर आपकी चप्पल खो जाती है तो वो अपने आप वापस आ जाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। और निशान की चप्पल इतनी शानदार है कि इसको टेस्ट करने के लिए इन्होंने तो पूरी होटल ही खोल दी जिसका नाम उन्होंने प्रो पायलट पार्क रायकन रखा है। दोस्तों चांद का पीछे वाला हिस्सा आज भी हमारे लिए रहस्य से बना हुआ है और क्योंकि चांद की रोटेशन ही कुछ ऐसी है कि हमें हमेशा चांद की एक ही साइड दिखाई देती है और अगर किसी को दूसरी साइड देखनी भी हो तो उसको स्पेसक्राफ्ट लेकर वहां पर जाना होगा। पर कोई बात नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आज आपको उसकी दूसरी साइड दिखाता हूँ। ये देखो, अरे ये नहीं, हाँ अब सही है, ये देखो चांद की दूसरी साइड जो हूबहू आगे की साइड जैसी दिखती है और हमेशा अंधेरे में ही रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल की घंटी दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दे